मानोरा गांव के पास के करीब 35 साल पुराना पुल बारिश के पानी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण नाले में बाढ़ आ गई और पुल में गड्ढा बन गया और इस कारण पुल का एक हिस्सा ढह गया है। ये सड़क हिंगनघाट मानोरा काजलसरा और नरसाला के ग्रामीण इलाकों में मुख्य रहदारी सड़क पर यह पुल है। पुल का कुछ हिस्सा ढहने के कारण स्थान पर किसी भी समय दुर्घटना होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। विगत कई वर्षों से शासन प्रशासन द्वारा निर्मित पुल की उपेक्षा के कारण इस ग्रामीण क्षेत्र के किसानों एवं नागरिकों के समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। किसी भी वक्त पुल पर बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तब पूर्व सरपंच लक्ष्मीकांत सेनार एवं ग्रामीणों ने इस संबंध में प्रशासन से शीघ्र ध्यान देने की मांग की है। नमस्कार, मी माजी सरपंच ग्राम पंचायत मुरपाड मानोरा लक्ष्मीकांत दादाजी सेनार। मानोरा येथील गावालगतच्या नाल्याजवळ एका बाजूने एक मोठं भगदाड पडलेलं आहे। सदर शासन प्रशासनाने त्या गोष्टीवर अगदी लक्ष न दिल्यास मानोरा, काजळसरा आणि नरसाळा या तीन गावाचा तालुक्याशी संपर्क तुटतो। सदर प्रशासनाने शासनाने लवकरात लवकर लक्ष देऊन त्या नाल्यावर सध्याची काय डागडुगी करता येईल ती तात्काळ करावी। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।